संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण के जरिए सत्र के लिए सरकार का एजेंडा पेश किया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए नहीं बल्कि सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति ने बजट सत्र में ट्रिपल तलाक बिल के पास होने की उम्मीद जताई। मुस्लिम महिलाओं का सम्मान कई दशकों तक राजनीतिक लाभ हानि का बंधक रहा, अब इस देश को उन्हें इस स्थिति से मुक्ति दिलाने का अवसर मिला है। पीएम मोदी ने भी ट्रिपल तलाक बिल पर सहमति बनने की उम्मीद जताई है। पीएम ने कहा है कि दल से ऊपर देश होता है। मैं आशा करता हूं और मैं देश के सभी राजनीतिक दलों को विनम्र आग्रह करता हूं कि इस सत्र में 3 तलाक महिलाओं के, विशेष करके मुस्लिम महिलाओं के हक की रक्षा करने वाले इस निर्णय को हम सब पारित करें। राष्ट्रपति ने विकास पर सरकार का संकल्प पेश किया और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर सहमति बनाने की भी बात कही। भारत अगले साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज संसद में पेश हुए आर्थिक सर्वे में सरकार ने यह दावा किया है। इस सर्वे को मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने तैयार किया है। इसमें महंगाई बढ़ने की आशंका जताई गई है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक साल 2018-19 में ग्रोथ रेट 7 से 7.5% के बीच रहने की उम्मीद है। इस साल GDP ग्रोथ 6.75% रह सकती है। कृषि विकास दर 2.1% रहने की उम्मीद है, जबकि इंडस्ट्री ग्रोथ 4.4% रहने की संभावना है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8% रहने का अनुमान है। मैडम स्पीकर, आई राइज टू ले ऑन द टेबल अ कॉपी इन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। सर्वे में साल 2018-19 में देश के तेजी से आर्थिक तरक्की का अनुमान लगाया गया है। ये बिल्कुल खराब नहीं माना जाएगा कि इतने बड़े रिफॉर्म स्मूथली कैरी आउट होके भी GDP रेट 6.75 की रह चुकी है। विपक्ष ने अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाया है। अभी अगर थोड़ा बहुत सुधार भी आएगा तो कीमतों में भारी उछाल हो चुका है। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो गया। इस बार बीटिंग द रिट्रीट समारोह में भारतीय धुनों पर जोर रहा। तीनों सेनाओं और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की ओर से 26 परफॉर्मेंस पेश किए गए। छब्बीस धुनों में इकलौती वेस्टर्न धुन अबाइड विद मी रही। इस बार CRPF, CISF और दिल्ली पुलिस के बैंड भी शामिल हुए। इस साल रेजिमेंटल केंद्रों और बटालियनों से 18 मिलिट्री बैंड, 15 पाइप और ड्रम बैंड समारोह में शामिल हुए। समारोह का समापन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के साथ हुआ। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सेना के प्रमुख सहित कैबिनेट के मंत्री और गणमान्य लोग मौजूद थे। चीन ने दावा किया है कि डोकलाम चीन का हिस्सा है और वो वहां पर निर्माण कार्य भी करा रहा है। चीन ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और चीन को डोकलाम समेत अपने सभी सीमा विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से देखना चाहिए और मौजूदा तंत्र के जरिए उन्हें सुलझाना चाहिए। इसके अलावा CPEC मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरने वाले चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कड़ी आपत्ति जताई थी। यूपी के कासगंज में अब हालात सामान्य हो रहे हैं। हालांकि कासगंज में अब भी धारा 144 लागू है। कासगंज के SP सुनील सिंह को हटाकर पीयूष श्रीवास्तव को SP नियुक्त किया गया है। हिंसा और तोड़फोड़ के आरोप में 112 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ADG, कमिश्नर, IG समेत पुलिस के कई आला अधिकारी कासगंज में मौजूद हैं। आगरा जोन के सभी 8 जिलों की फोर्स कासगंज में तैनात की गई है। कासगंज में निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजीकृत किए गए हैं और कुल करीब 125 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। कासगंज हिंसा में मारे गए चंदन गुप्ता के परिवार को यूपी सरकार ने 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसके
और तफसील में जाकर इसकी जांच करें। चंदन गुप्ता के पिता ने अपने बेटे के लिए शहीद के दर्जे और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है और कहा है कि कासगंज में चंदन चौक बनाया जाना चाहिए। मेरे बच्चे को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और एनआईए को नोटिस जारी किया है। कर्नल पुरोहित ने अपने खिलाफ ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है और साथ ही गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत केस चलाने की इजाजत को भी चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और एनआईए को नोटिस का जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और समीर कुलकर्णी की याचिका को खारिज कर दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित पर आतंकवाद के आरोपों के तहत मुकदमा चलाए जाए या नहीं इसी जांच के लिए सहमति दे दी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए आतंकी हमले में 11 जवानों की मौत हो गई, जबकि 16 जवान घायल हैं। आतंकियों ने यह हमला सुबह 4 बजे काबुल के मार्शल फहीम आर्मी एकेडमी में किया। हमले में शामिल 5 में से 2 आतंकी सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारे गए। 2 आतंकियों ने खुद को उड़ा लिया, जबकि 1 आतंकी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षा बलों ने 1 सुसाइड वेस्ट और 1 AK-47 बरामद की है। हमले के कुछ घंटों के बाद इस्लामिक स्टेट के खुरासान ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर अमीर सांसदों से सैलरी छोड़ने की मांग की है। वरुण गांधी ने यह पत्र कल भेजा था। पत्र में वरुण गांधी ने सांसदों की सैलरी तय करने के लिए स्वतंत्र संस्था बनाने की मांग की है। वरुण गांधी ने कहा कि सैलरी छोड़ने के लिए आंदोलन शुरू होना चाहिए। वेतन छोड़ने की वरुण गांधी की मांग को सांसदों ने उनका निजी विचार बताया। वो लिख सकते अपने व्यक्तिगत राय दे सकते हैं, परंतु आखिर में असेंबली और पार्लियामेंट पास करती है ना, तो जब पार्लियामेंट पास कर रही है तो एक व्यक्ति इसको कैसे प्रभावित कर सकता है। वरुण गांधी जी के अपने विचार हैं, वित्त मंत्री जी ने भी पिछले सत्र में कहा था कि हाँ इस पर विचाराधीन है और इसमें जल्दी करेंगे। मैं समझता हूँ कि उस निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दावा ये किया गया है कि लोकसभा में 1 सांसद की औसत दौलत 14 करोड़ और राज्यसभा में प्रति सांसद औसतन संपत्ति 20 करोड़ रुपए है। 2019 के चुनाव के लिए एक बार फिर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश शुरू हो गई है। आज दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर विपक्षी दलों के नेता जुटे। इस बैठक में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, लेफ्ट पार्टियों की तरफ से डी राजा के अलावा शरद यादव भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने को लेकर चर्चा हुई। हालांकि इस बैठक से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरजेडी ने दूरी बनाए रखी। विपक्ष की एक संयुक्त भूमिका कई ऐसे विषय जो महत्वपूर्ण आने वाले हैं उसके ऊपर रखने के बारे में एक अनौपचारिक बैठक थी। विपक्ष की आगे की रणनीति बनाने के लिए अब अगले हफ्ते सोनिया गांधी बैठक बुलाएंगी। इस बैठक में संसद और कई दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के मेढर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद राणा पर स्कूल के बच्चों को देशद्रोही बातें कहने के लिए शह देने का आरोप लगा है। जावेद राणा ने कश्मीर की आजादी की बात पर न सिर्फ तालियां बजाई बल्कि ठहाका भी लगाया। मेढर में एक स्कूली बच्चे ने विधायक के सामने ये आरोप लगाया था कि उनके स्कूल को पक्षपात तरीके से हरा दिया गया। शिकायत के साथ साथ बच्चे कश्मीर की आजादी की बातें भी करने लगे। जैसे ही कश्मीर की आजादी की बात हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद राणा ताली बजाने लगे। वीडियो देखकर ये साफ लग रहा है कि स्कूल का बच्चा जो बोल रहा है उसे रटवाया गया है। बीजेपी ने कहा है कि कश्मीर में भड़काने की राजनीति करने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने की एक साजिश हो रही है और उसमें कुछ चुने हुए जो लेजिस्लेटर्स हैं वो भी उसमें मुलव्वस है, बहुत ही निंदनीय है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में यात्री बस बैरव नदी में गिर गई। हादसे में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। चश्मदीदों के मुताबिक 50 यात्रियों से भरी बस ब्रिज से जा रही थी। उस वक्त बस की रफ्तार बहुत तेज थी। सामने से दूसरी गाड़ी आई तो ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस ब्रिज की रेलिंग तोड़ती हुई नदी में गिर गई। बस डोमकल से बहरामपुर जा रही थी। 7 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। लोगों का आरोप है कि रेस्क्यू के लिए गोताखोरों को वक्त पर नहीं बुलाया गया। नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया और पुलिस पर पत्थरबाजी की। उन्होंने पुलिस की एक गाड़ी को आग भी लगा दी।
यूपी में ट्रिपल तलाक का एक नया केस सामने आया है। हापुड़ की एक महिला का आरोप है कि रिश्तेदार के घर पर दो युवकों ने उसका गैंगरेप किया। मामले पर पंचायत बैठी, पंचायत ने पीड़िता की शादी आरोपी से कराने का फरमान सुनाया। निकाह के बाद आरोपी शौहर पत्नी को लगातार परेशान करता रहा और फिर उसे ट्रिपल तलाक दे दिया। कंधे पे पिस्टल रखी और हमें दो दबाव दिए, बहुत ही तरीके से डराया धमकाया, जबरदस्ती से अंगूठे लेकर वहाँ पर हमसे तलाक करवा दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की और बंदूक की नोक पर उसे तलाक दिया। पीड़ित महिला ने पुलिस पर मदद न करने का आरोप भी लगाया है। हालांकि पुलिस जांच की बात कह रही है। ये चूंकि पारिवारिक मामला है, इसमें निकाह वगैरह कराने की बात आई है, इसकी जांच कराई जा रही है और जांच के बाद जो भी विधिक कार्रवाई होगी सभी कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी। पंजाब के फरीदकोट के जैतो में डिप्टी SP बलजिंदर संधू ने खुद को गोली मार ली। DSP संधू कॉलेज के छात्रों के दो गुटों के बीच प्रदर्शन और हंगामे को रुकवाने पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि छात्रों के प्रदर्शन से परेशान होकर DSP ने खुद पर गोली चला दी। अस्पताल में DSP संधू की मौत हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घटना पर अफसोस जाहिर किया। पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में गलती से ट्रिगर दबाने की भी आशंका जताई जा रही है। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन आज जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी ने एक सत्र में हिस्सा लिया। ऑन बैलेंस जर्नलिस्टिक ऑब्जेक्टिविटी विषय पर चर्चा के दौरान निष्पक्ष पत्रकारिता की बात हुई। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी ने कहा कि पत्रकारों की निष्पक्षता का फैसला जनता के हाथ में छोड़ देना चाहिए, दर्शकों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। दर्शक किसको देखते हैं, दर्शक किसको पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दर्शक इस देश की सुप्रीम कोर्ट है। जयपुर में 5 दिन तक चले लिटरेचर फेस्टिवल में देश और दुनिया के 500 से ज्यादा बुद्धिजीवी और साहित्यकार शामिल हुए, जिन्होंने अलग अलग विषयों पर चर्चा की। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होना है। मैच भारतीय समय के मुताबिक मंगलवार सुबह 3 बजे क्राइस्ट चर्च में होगा। टूर्नामेंट में भारत अभी तक ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश जैसी टीमों को हरा चुका है। आज का मैच जीतने वाली टीम का ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल मुकाबला होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की टीम अब तक पाकिस्तान से 12 मैच जीत चुकी है, जबकि 8 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बारे में अब तक आपने पढ़ लिया होगा, उसके बारे में रिपोर्ट्स टीवी पर देख ली होंगी। इस सांप्रदायिक हिंसा ने बहुत सारे मीडिया हाउसेस और पत्रकारों को बेनकाब कर दिया है। अक्सर हम DNA में स्वच्छ मीडिया अभियान की बात करते हैं और किसी भी देश की मीडिया के स्वच्छ होने का पहला कदम यह है कि उसे सबसे पहले सच्चा होना चाहिए और उसे सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए। उसे कभी भी सेलेक्टिव रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारत के कुछ मीडिया हाउसेज घटनाओं और मुद्दों की सेलेक्टिव रिपोर्टिंग करने से बाज नहीं आते। वो अब भी पीड़ित की जाति और धर्म देखकर ही रिपोर्टिंग करते हैं और ऐसा ही कासगंज में भी हो रहा है। सबसे पहले आपको संक्षेप में ये बताते हैं कि कासगंज में क्या हुआ था। आज हम कासगंज की बात अचानक क्यों कर रहे हैं। कासगंज में 26 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस के दिन कुछ युवा तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। ये तिरंगा यात्रा वहां हर साल निकलती है और इसका आयोजन कुछ हिंदूवादी संगठन करते हैं। इस साल 26 जनवरी को जब ये यात्रा मुसलमानों के एक मोहल्ले से होकर गुजरी तो आरोपों के मुताबिक यात्रा निकालने वाले लोगों पर पथराव किया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच हिंसा भड़क गई, दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई और उसके बाद दोनों के बीच फायरिंग हुई और इस हिंसा में चंदन गुप्ता नाम का ये लड़का मारा गया। इस युवक की मौत हो गई। इसके बाद पूरे शहर में कई जगहों पर आगजनी और पथराव की घटनाएं शुरू हो गई। दुकानें जलाई गईं, वाहन जलाए गए और हिंसाग्रस्त इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। कासगंज में 3 दिनों तक इसी तरह हिंसा होती रही, लेकिन आज वहां हालात काबू में हैं। पुलिस ने इस घटना में कुल 112 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है, लेकिन इस घटना के असली आरोपी अब भी आजाद घूम रहे हैं, पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। यहां पर आपको यह बताना भी जरूरी है, वहां क्या हुआ था, गलती असल में किसकी थी, यह जांच का विषय है। हम अब भी ये नहीं कह सकते कि गलती किसकी थी, लेकिन ये सच्चाई है कि दो पक्षों के बीच में हिंसा भड़की थी।
ये सच्चाई है कि दो पक्षों के बीच में गोलियां चली। 20 साल के चंदन गुप्ता को अपने ही देश में तिरंगा यात्रा निकालना बहुत महंगा पड़ गया, ये सच है। इस मामले में तरह तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस यात्रा का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और कुछ लोग इसके विरोध में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। हमें ये नहीं पता कौन सही कह रहा है कौन गलत। इस हिंसा के पीछे की असली वजह तो जांच होने के बाद सामने आएगी, इसलिए आज ये मत समझिएगा कि हम किसी एक पक्ष को कोई क्लीन चिट दे रहे हैं या ये बता रहे हैं कि इस हिंसा का जिम्मेदार कौन था। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है और वो ये है कि इस हिंसा में एक युवक की जान चली गई। वो युवक इसी देश का था, वो युवक भारत का था और भारत का नागरिक था। और इस मौत को मीडिया के बुद्धिजीवी वर्ग ने उतना महत्व नहीं दिया जितना दादरी के अखलाक या फिर हैदराबाद के दलित छात्र रोहित वेमुला की मौत को दिया गया था। और आज ये तुलना हम आपके सामने, देश के सामने करना चाहते हैं। अब जरा ये कल्पना कीजिए कि अगर इस घटना में चंदन गुप्ता की नहीं बल्कि किसी और संप्रदाय के युवक की मौत हुई होती तो क्या ऐसी ही स्थिति होती? अगर ऐसा हुआ होता तो अब तक पूरे देश में असहनशीलता का प्रचार करने वाला गैंग सक्रिय हो जाता। ये कहा जाने लगता कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। बहुत से बुद्धिजीवी अपने अवार्ड वापस करने के बारे में सोचने लगते। न्यूज चैनल्स पर बड़ी बड़ी बहस शुरू हो जाती। हो सकता है कि कुछ न्यूज चैनल्स प्राइम टाइम में अपनी स्क्रीन काली भी कर देते। अब तक कासगंज में बड़े बड़े नेताओं के दौरे शुरू हो चुके होते। तमाम पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री कासगंज पहुंच चुके होते और असहनशीलता वाले तमाम डायलॉग्स मारकर विरोध की रणनीति तैयार की जाती। अब तक चंदन गुप्ता के मां बाप से मिलने वाले नेताओं की लाइन लग चुकी होती। लेकिन चंदन गुप्ता के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। चंदन गुप्ता के मां बाप को मिलने कोई नहीं जा रहा क्योंकि इस घटना में किसी ऐसे समुदाय के व्यक्ति की जान नहीं गई जो इन नेताओं या डिजाइनर पत्रकारों के एजेंडे को सूट करता हो। हमारे देश के ज्यादातर नेता बड़े बड़े प्रदर्शन और राजनीतिक आंदोलन तब करते हैं जब किसी हिंसा में किसी अल्पसंख्यक समुदाय या किसी दलित की मौत हो जाए, क्योंकि अल्पसंख्यकों और दलितों को वोटों की गारंटी माना जाता है। आप यहां ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमारे देश के पत्रकार या हमारे देश के नेताओं को इन वर्गों से कोई खास प्रेम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है। लेकिन चंदन गुप्ता ना तो मुसलमान थे ना ही दलित थे, इसलिए उनकी मौत पर राजनीति करने से ऐसे नेताओं को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आज आपको इस वक्त कासगंज में ऐसे नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना वहां पर बड़े बड़े पत्रकार जा रहे हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको समय के चक्र को पीछे की दिशा में घुमाना होगा, जिसको कहते हैं कि फ्लैशबैक में जाना होगा। आपको याद होगा सितंबर 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी में ही एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। वो भी इसी देश का नागरिक था, उसका नाम था अखलाक और हमें अखलाक की हत्या का बेहद दुख है। उसके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, यहां पर हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं। अखलाक मुस्लिम समुदाय से थे, इसलिए उनकी हत्या पर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक एजेंडा चलाया, राजनीति की। और आपको याद होगा उस दौर में असहनशीलता वाली बहस बहुत तेज हो गई थी। बहुत सारे बुद्धिजीवी अपने अवार्ड्स लौटा रहे थे, बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने दादरी से अपने प्राइम टाइम बुलेटिन के ब्रॉडकास्ट शुरू कर दिए थे, न्यूज चैनल्स की ओबी वैन्स कई दिनों तक वहां पर लगातार पार्क्ड रही। इसी तरह जनवरी 2016 में जब हैदराबाद में एक छात्र रोहित वेमुला ने आत्महत्या की तो दलित एंगल पर रिपोर्टिंग करने के लिए ये पत्रकार हैदराबाद पहुंच गए। दादरी में तो बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता के दौरे हो रहे थे। उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लेकिन इन तमाम बुद्धिजीवियों, डिजाइनर पत्रकारों और नेताओं के लिए इस घटना की जिम्मेदार सिर्फ केंद्र सरकार थी, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं थी। तब ये लोग इस घटना को लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था की खामी मानने को तैयार नहीं थे। ये लॉ एंड ऑर्डर की घटना नहीं थी, ये सांप्रदायिक घटना थी, ऐसा कहा गया। लेकिन अब कासगंज में चंदन गुप्ता की मौत को यही लोग कानून व्यवस्था की गलती बता रहे हैं। उस वक्त जब अखलाक की हत्या हुई, किसी ने अखिलेश यादव का इस्तीफा नहीं मांगा, किसी ने अखिलेश यादव, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, उनसे सवाल नहीं पूछे। लेकिन इस बार
योगी आदित्यनाथ पर निशाना जरूर लगाया जा रहा है, यानी पहले निशाना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बजाय केंद्र सरकार पर था पिछली बार जब ऐसी घटना हुई, लेकिन इस बार निशाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है क्योंकि अचानक से ये राज्य सरकार की गलती हो गई। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है। ये दोहरे मापदंड हैं जिन्हें आपको पहचानने की जरूरत है। अब आप दादरी और कासगंज की घटना का एक तुलनात्मक विश्लेषण देखिए और फिर ये समझिए कि कैसे हमारे देश के नेताओं, बुद्धिजीवियों और डिजाइनर पत्रकारों को किसी खास संप्रदाय के लोगों की मौत ही सूट करती है और वही दिखाई भी देती है। दादरी और कासगंज दोनों ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। दादरी में अखलाक की मौत हुई थी जबकि कासगंज में चंदन गुप्ता की मौत हुई है। अखलाक की हत्या के आरोपी हिंदू थे जबकि चंदन गुप्ता की हत्या का आरोप कुछ मुस्लिम युवकों पर लगा है। दादरी की हिंसा को देश में असहनशीलता बताया गया था जबकि कासगंज की हिंसा को खराब कानून व्यवस्था बताया जा रहा है। दादरी की घटना की कवरेज के लिए कई हफ्तों तक देश का राष्ट्रीय मीडिया घटना स्थल पर डटा रहा, लाइव टेलीकास्ट हुए, जबकि कासगंज की घटना को राष्ट्रीय मीडिया 3 दिनों में ही भूल गया। दादरी की घटना पर देश के बड़े बड़े शहरों के प्रेस क्लब्स में पत्रकार बढ़ती असहनशीलता के विषय पर सेमिनार और गोष्ठियां आयोजित करते रहे, जबकि कासगंज की घटना के बाद देश में ऐसा कोई माहौल नहीं है। दादरी की घटना के बाद बड़े बड़े संपादक देश भर के अखबारों में संपादकीय लिख रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, लेकिन कासगंज की घटना के बाद कोई संपादक अखबारों में ऐसा कोई संपादकीय नहीं लिख रहा। दादरी की घटना के बाद वहां बड़े बड़े नेता पहुंच गए थे। ये नेता असहनशीलता के मुद्दे पर मीडिया के कैमरों के सामने एक तरह से राजनीतिक रैलियां कर रहे थे, लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, लेकिन अब कासगंज में चंदन गुप्ता के घर जाने की फुर्सत, उसके माँ बाप से मिलने की फुर्सत, उसके घर वालों से मिलने की फुर्सत किसी के पास नहीं। दादरी की घटना के बाद बड़े बड़े पत्रकार, बुद्धिजीवी और नेता ट्वीट कर रहे थे। हैशटैग इंटरनेशनल शेम ट्रेंड कर रहा था। इंटरनेशनल शेम का मतलब था कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि खराब हो रही है और ये बहुत शर्म का विषय है। ये सब ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पर। लेकिन कासगंज की घटना के बाद इन नेताओं, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की ट्विटर टाइमलाइन पर ऐसे ट्वीट्स देखने को नहीं मिल रहे। हालांकि कुछ पत्रकारों ने इस मामले में ट्वीट किया है, लेकिन ये कहने के लिए कि पूरी गलती तिरंगा यात्रा निकालने वालों की थी, गलती चंदन गुप्ता जैसे युवकों की थी और जो कुछ हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि ये युवक गलती कर रहे थे, ऐसे ट्वीट जरूर आ रहे हैं। और आपको ये भी याद होगा कि हैदराबाद में जब दलित छात्र रोहित वेमुला ने आत्महत्या की थी उस वक्त भी उस पर कितनी बड़ी राजनीति की गई थी, इसलिए क्योंकि दलित राजनीति बहुत सारे नेता करना चाहते थे। जून 2017 में एक और घटना हुई थी, आपको याद होगा, एक लोकल ट्रेन में सीट को लेकर एक विवाद हुआ था। इस विवाद में जुनैद नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी। ये घटना दिल्ली से मथुरा जाने वाली एक लोकल ट्रेन में हुई थी, दिल्ली के पास ही हुई थी ये घटना भी, जिसमें जुनैद अपने दोस्तों के साथ दिल्ली से बल्लभगढ़ जा रहा था। उस वक्त सीट को लेकर हुए इस विवाद को मीडिया के एक हिस्से ने मॉब लिंचिंग की घटना बताकर इसकी रिपोर्टिंग की थी। उस वक्त भी हमारे देश में एजेंडा चलाने वाली फैक्ट्रियां बहुत तेजी से सेलेक्टिव विरोध का उत्पादन कर रही थी और उस वक्त भी देश में ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा था जैसे असहनशीलता बढ़ गई हो। तब बड़े बड़े सेमिनार्स हुए और नॉट इन माई नेम जैसे हैशटैग्स आपको ट्विटर पर देखने को मिले होंगे। इन हैशटैग्स को ट्रेंड भी करवाया गया। आप में से बहुत सारे लोगों ने संविधान को कभी ध्यान से शायद पढ़ा ही नहीं होगा। संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, देश के किसी भी राज्य में रहता हो और उस राज्य का मुख्यमंत्री कोई भी हो और उस वक्त देश का प्रधानमंत्री और देश में सरकार किसी की भी हो, सबको समान अधिकार देता है हमारा संविधान, बराबरी का अधिकार। लेकिन ये समानता हमारे मीडिया की रिपोर्टिंग में आपको दिखाई नहीं देगी। आज सवाल यह है कि क्या चंदन गुप्ता को पूरे मीडिया और नेताओं ने इसीलिए नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसका सरनेम उसके एजेंड इन लोगों के एजेंडे को सूट नहीं करता था। आपने भी ये बात नोट की होगी कि हमारे देश में जब भी कोई हत्या होती है तो उसमें अपने हिसाब से सबसे पहले राजनीतिक एंगल तलाश किया जाता है, सबसे पहले मरने वाले की धर्म और जाति चेक की जाती है, फिर पीड़ित
अगर पीड़ित मुस्लिम या दलित समुदाय का निकल आए तो हमारे देश के मीडिया का एक वर्ग और डिजाइनर प्रदर्शनकारी उसे हाथों हाथ ले लेते हैं। फिर सोशल मीडिया में घटनाओं की कड़ी निंदा शुरू हो जाती है और देश के अलग अलग शहरों में कैंडल लाइट मार्च का आयोजन होने लगता है। दुख की बात यह है कि ऐसे डिजाइनर प्रदर्शन करने वाले लोग और पत्रकार अक्सर भीड़ तंत्र के अपराधों को धर्म के चश्मे से देखते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्याओं के मामले में भी अब आरक्षण हो गया है, पोलराइजेशन हो गया है। जैसे स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए अच्छे मसालों की जरूरत होती है, आजकल मीडिया के एक वर्ग को अच्छी खबर बनाने के लिए भी कुछ मसालों की जरूरत पड़ती है और इन मसालों के नाम हैं दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, बीफ, गोरक्षक, गोहत्या। भीड़ तंत्र देश के लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। जब भी किसी देश में भीड़ तंत्र से जुड़ी घटनाएं दिखती हैं तो उस देश की आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। इसलिए भीड़ तंत्र द्वारा की जाने वाली हत्याओं पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, चाहे उसमें कोई भी धर्म के लोग जुड़े हुए हों। लेकिन भीड़ तंत्र का विरोध करते हुए या इस पर रिपोर्टिंग करते हुए कभी भी सेलेक्टिव पत्रकारिता भी नहीं होनी चाहिए। और आज हमारा मकसद इसी तस्वीर को आपके सामने पेश करने का था। हम आज ये नहीं कह रहे हैं कि कौन गलत था, कौन सही था। हम नहीं कह सकते कि यह दंगा किसने भड़काया, पहली गलती किसकी थी, पहली गोली किसने चलाई, पहला नारा किसने दिया, हम नहीं कह सकते। हम सिर्फ आपको यह बता सकते हैं कि जब एक जैसी दो घटनाएं होती हैं तो कैसे उनको अलग अलग तरीके से आपके सामने पेश किया जाता है। डीएनए में अब हम भारतीय गणतंत्र की ऐतिहासिक परंपरा बीटिंग द रिट्रीट का संगीतमय विश्लेषण करेंगे। ये भारत की थलसेना, जलसेना, वायुसेना और सुरक्षा बलों का वो संगीत है जिसमें वीरता के स्वर हैं, देशभक्ति की तरंगे हैं, शक्ति की गूंज है और विजय का जयघोष है। आज दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट के साथ ही 29वें गणतंत्र दिवस का उत्सव पूरा हो गया। 69वें गणतंत्र दिवस, माफ कीजिएगा मैंने आपको कुछ और कह दिया, ये 69वां 69th गणतंत्र दिवस है और ये उत्सव पूरा हो गया। गणतंत्र का ये उत्सव हर वर्ष 26 जनवरी से शुरू होता है और 29 जनवरी को इसका समापन होता है। वर्ष 1950 से देश इसी परंपरा का गवाह रहा है। ये एक तरह से सेना की अपने बैरक में वापसी का प्रतीक है। इसमें सेना के बैंड धुनों के साथ मार्च करते हैं और एक साथ सेना के सर्वोच्च कमांडर यानी भारत के राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। इस बार बीटिंग द रिट्रीट कई मायनों में बहुत खास थी। ऐतिहासिक विजय चौक पर इस बार 26 धुनें बजाई गईं, जिसमें से 25 धुनें भारतीय संगीतकारों द्वारा तैयार की गई हैं। बीटिंग द रिट्रीट में एक पश्चिमी धुन भी बजाई गई जिसका नाम है अबाइड विद मी। इसके बाद बीटिंग द रिट्रीट का समापन हुआ और हमारे देश की एक लोकप्रिय धुन से जिसके बोल हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उससे इसका समापन हुआ। इस बार बीटिंग द रिट्रीट में 18 मिलिट्री बैंड्स और 15 पाइप एंड ड्रम बैंड्स ने हिस्सा लिया था। तीनों सेनाओं के अलावा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने भी बीटिंग द रिट्रीट में हिस्सा लिया। इस समारोह की ये ओजस्वी धुनें आज आपको जरूर सुननी चाहिए। इससे आपके मन में ऊर्जा का संचार होगा और देशभक्ति की भावना आपके मन में बढ़ेगी, क्योंकि आजकल बहुत कुछ हमारे देश में ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से देशभक्ति की भावना दबाई जाने की कोशिश होती है। लेकिन आप जब ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा।
बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की मनमोहक तस्वीरों को देखते और इन धुनों को सुनते हुए आपके मन में देशभक्ति की भावनाओं का संचार जरूर हुआ होगा और आपके मन में अब ये जानने की इच्छा हो रही होगी कि आखिर बीटिंग द रिट्रीट की शुरुआत कब, कहां और क्यों हुई थी और भारत में बीटिंग रिट्रीट की परंपरा कब से चल रही है। आपके मन में उठ रहे इन सवालों का जवाब देने के लिए हमने बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का एक ऐतिहासिक वीडियो विशेषण आज तैयार किया है ताकि आप इसके महत्व और इतिहास को सरल और आसान शब्दों में समझ सकें। बीटिंग रिट्रीट 16वीं सदी के ब्रिटेन की परंपरा है जिसका पुराना नाम है वॉच सेटिंग। 16वीं सदी में ब्रिटेन में सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए सूर्यास्त के समय एक गोली चलाकर बीटिंग द रिट्रीट की शुरुआत की जाती थी। वहां से शुरू हुई इस परंपरा ने किस तरह भारत में अपनी एक विशेष जगह बना ली, ये आज आप सबको देखना चाहिए और समझना भी चाहिए। ये वर्ष 1950 में लंदन में हुई बीटिंग द रिट्रीट की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं, लेकिन बीटिंग द रिट्रीट की परंपरा उस वक्त से चली आ रही है जब दुनिया में कैमरों का आविष्कार भी नहीं हुआ था। बीटिंग द रिट्रीट 16वीं सदी के ब्रिटेन की परंपरा है जिसका पुराना नाम वॉच सेटिंग है। 18 जून 1690 में इंग्लैंड के राजा जेम्स टू ने अपनी सेनाओं को युद्ध से उनकी टुकड़ियां वापस आने पर ड्रम बजाने का आदेश दिया था। तभी से ब्रिटेन में बीटिंग द रिट्रीट की परंपरा शुरू हो गई। जब युद्ध के बाद फौजें वापस अपने बैरकों में लौटती थीं, तो युद्ध के तनाव को कम करने के लिए आर्मी बैंड बजाए जाते थे और यह परंपरा आज भी कायम है जिसे बीटिंग द रिट्रीट कहा जाता है। भारत में बीटिंग द रिट्रीट का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि गणतंत्र दिवस समारोह। भारत में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत वर्ष 1950 से हुई जब भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने अपना खुद का बैंड तैयार किया था जिसमें मिलिट्री बैंड्स, पाइप्स और ड्रम के साथ आर्मी की रेजिमेंट्स के अलावा नेवी और एयरफोर्स के बैंड भी शामिल थे। हर वर्ष 29 जनवरी को 4 दिनों तक चलने वाले गणतंत्र दिवस समारोह का समापन बीटिंग द रिट्रीट समारोह से होता है। इस समारोह में तीनों सेनाओं के रेजिमेंटल सेंटर और बटालियन हिस्सा लेती हैं। तीन सेनाओं के बैंड्स मिलकर लोकप्रिय मार्चिंग धुनें बजाते हैं। भारत में बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के बीच रायसीना हिल से विजय चौक तक होता है। भारत में बीटिंग द रिट्रीट में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति मौजूद होते हैं। रायसीना हिल में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन वर्ष में सिर्फ एक बार होता है। भारत की राजनीति में आजकल भारत की अर्थव्यवस्था लगातार ट्रेंड कर रही है। अर्थव्यवस्था से जुड़े हर आंकड़े पर आजकल विपक्ष, एक्सपर्ट्स और जनता की पैनी नजर है। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई और वार्षिक परंपरा के तहत इस अभिभाषण के बाद सरकार ने
वर्ष 2017 और 18 का आर्थिक सर्वेक्षण देश के सामने पेश किया। सरल शब्दों में कहें तो आर्थिक सर्वे देश की आर्थिक सेहत का मूल्यांकन होता है। इसमें आंकड़ों के जरिए अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा देश को बताई जाती है। इसमें बीते हुए वर्षों के आंकड़े होते हैं, भविष्य के अनुमान लगाए जाते हैं और सरकार के लक्ष्य का वर्णन होता है। सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। ये सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा, इसलिए ये आर्थिक सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था और देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आपको जीडीपी के बारे में बताते हैं। 2016 और 17 में भारत का जीडीपी 151.84 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि 2017 और 18 में भारत का जीडीपी 166.28 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो 2016-17 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.1% की विकास दर से बढ़ा। भारत सरकार का अनुमान है कि 2017 और 18 में भारत का जीडीपी 6.75% की विकास दर से बढ़ेगा। इस अनुमान के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रेट में 0.35 की कमी आ सकती है। हम ये कह सकते हैं कि नोटबंदी और जीएसटी लागू होने का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, लेकिन यह असर बहुत मामूली है। सरकार का यह भी अनुमान है कि वर्ष 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था 7 से 7.5% की विकास दर से बढ़ेगी। यह भी संभव है कि तब भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन जाए। कृषि और माइनिंग सेक्टर की विकास दर 2013 और 14 में 4.80% थी, 2015 और 16 में 2.20% कम हो गई और 2016-17 में बढ़कर 4.40% रही। व्यापार, होटल, परिवहन और संचार के क्षेत्र की विकास दर 2013-14 में 6.50%, 2015-16 में 10.5% और 2016-17 में 7.80% रही। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति के क्षेत्र में विकास दर 2013 और 14 में 4.20%, 15 और 16 में 8.60 और 2016 और 17 में 6% रही। फाइनेंसिंग, बीमा, रियल एस्टेट और व्यापार सेवाओं में विकास दर 2013 और 14 में 11.20% थी, 15 और 16 में 10.80% और 2016-17 में 5.70% रही। अगर हम विशेष तौर पर कृषि की बात करें तो 2015 और 16 में अनाज का उत्पादन 2,515 करोड़ टन था और 2016 और 17 में अनाज का उत्पादन 2,755 करोड़ टन रहा, यानी पहले से थोड़ा सा बढ़ा। अगर हम देश में बिजली के उत्पादन की बात करें तो 2015-16 में 1,336 अरब किलोवाट आवर बिजली का उत्पादन हुआ था और वर्ष 2016-17 में 1,433 अरब किलोवाट आवर बिजली का उत्पादन हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में महंगाई दर नियंत्रण में है। 2015 और 16 में उपभोक्ता महंगाई दर 4.9% थी, 2016 और 17 में उपभोक्ता महंगाई दर 4.5% हो गई और 2017-18 में इसके 3.3% रहने का अनुमान है, यानी और कम हो जाएगी महंगाई। भारत में राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट लगातार कम हो रहा है। 2016 और 17 में फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 3.5% था और अगले वित्त वर्ष में फिस्कल डेफिसिट 3.2% रहने का अनुमान है। यहां आपको बता दें कि सरकार के कुल खर्च और कुल कमाई के अंतर को फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है और इसका कम होना देश की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा माना जाता है। जीएसटी की वजह से टैक्स देने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स देने वालों की संख्या 50% तक बढ़ गई है। 29 दिसंबर 2017 तक विदेशी मुद्रा भंडार $409 बिलियन था, जबकि पहले ये $370 बिलियन था। हालांकि चिंता की बात यह है कि खराब मौसम की वजह से कृषि की पैदावार पर असर पड़ा है। इसके अलावा सरकार ने पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों पर भी चिंता जताई है। एक खास बात यह भी है कि इस बार सरकार ने गुलाबी रंग में रंगा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। दो दिन बाद बजट आने वाला है।
बजट में क्या होगा ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, विकास कर रही है, और इस पर पूरे देश को गर्व भी होना चाहिए। हालांकि जिस दिन हमारी अर्थव्यवस्था अमीरी और गरीबी की खाई को कम करने के बजाय खत्म कर देगी, उस दिन शायद पूरा देश ज्यादा प्रसन्न होगा, खुश होगा। अब से कुछ दिन पहले जब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था तो हमने भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कई सवाल उनसे पूछे थे। हमने आपके लिए उस इंटरव्यू का आज एक ऐसा अंश निकाला है जो भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आप भी देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री मोदी का क्या कहना है। लेकिन आपके आने के बाद एक नई परंपरा ये भी शुरू हुई कि जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे चल रहा है। इससे पहले मुझे याद है 3-4 साल पहले जनता को इस बात के बारे में पता नहीं होता था कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितना चल रहा है। अब वो सेंसेक्स की तरह उसके बारे में हर 3 महीने में छपता है कि ये जीडीपी ग्रोथ रेट अब इतना हो गया, इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया, और आपको उसके नाते हर 3 महीने के बाद आपको आंका जाता है। और अगर मान लीजिए उस जितना आपने प्रॉमिस किया उतना नहीं बढ़ा तो फिर आलोचना शुरू होती है। तो ये भी एक नई परंपरा आपके आने के बाद शुरू हुई है। मैं इसे अच्छा मानता हूँ। देश का ध्यान अर्थव्यवस्था, विकास, इस पर केंद्रित होना चाहिए। आलोचना है उससे कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। लोकतंत्र में आलोचना ही ताकत है। क्रिटिसिज्म नहीं है तो लोकतंत्र चल ही नहीं सकता है। और मैं तो मानता हूँ कि हर चीज़ का एनालिसिस होना चाहिए, अच्छी चीज़ों का खुलकर के अप्रिसिएशन होना चाहिए, कमियों का खुलकर के क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ये लोकतंत्र की मूलभूत ताकत है। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, प्लस माइनस पॉइंट सब लेकर के आना पड़ता है। अब आज का गूगल गुरु का जमाना है तो दुनिया इतनी तेज़ी से दौड़ती है तो क्रिटिसिज्म न के बराबर होता है लेकिन एलिगेशंस ज़्यादा हो जाते हैं, और कभी कभी तो एलिगेशंस ही एलिगेशंस होते हैं। तब जाकर के हेल्दी जो चीज़ें उभर करके आनी चाहिए, जो अमृत निकलना चाहिए, वो कभी उसकी कमी महसूस होती है। लेकिन अच्छी बात है, देश जीडीपी की चर्चा करता है, एग्रीकल्चर ग्रोथ में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या हुआ, सर्विस सेक्टर में क्या हुआ, मार्केट फोर्सेस क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे देख रही है, इन चीज़ों की तरफ ध्यान गया है तो अच्छी बात है। मैं मानता हूँ आपने FDI की बात कही, FDI का मैं अभी फिगर्स निकाल रहा था, 36 बिलियन से 60 बिलियन हम लोग पहुँच गए हैं, जो मेरे पास अभी आंकड़े हैं। जब आप 2014 में प्रधानमंत्री बने और आप इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाया करते थे, और अब आप जब 2018 में अब जब आप जाते हैं, आपको कुछ फर्क महसूस होता है तब के स्टेटस में भारत के और आज के स्टेटस में भारत के? 2014 के पहले क्या था वो मीडिया के माध्यम से हम जानते थे, और शायद भारत में इसकी चर्चा भी नहीं होती थी। दुनिया भारत के लिए क्या सोचती है और भारत दुनिया के लिए क्या सोचता था, प्रोटोकॉल की दुनिया तक सीमित हो गया था, ये सारी दुनिया जानती है। 2014 के बाद आपने देखा होगा कि एक तो हर भारतीय को भारत विश्व में कहाँ है, विश्व में भारत क्या कर रहा है, उन जानकारियों में उनका डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब कुछ प्रोएक्टिव हैं, कुछ प्रोग्रेसिव हैं, ये हम देखते हैं। सबसे बड़ी बात है, भारत में 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, और लोकतांत्रिक देशों में पीपल्स मैंडेट विश्व में बहुत बड़ा महत्व रखता है, और मैं देख रहा हूं कि इसका प्रभाव पहले दिन से, जब मैंने सार्क देशों को लोगों को यहां शपथ के लिए निमंत्रित किया, उसी दिन से वो नजर आता है। और विश्व ने भी देखा कि भाई ये कुछ अलग सोच वाली, अलग दिशा वाली सरकार है, तो विश्व का आकर्षण होना बहुत स्वाभाविक था। और भारत अपने घर में अच्छा कर रहा है, अगर हम घर में अच्छा ना करें और बाहर बातें करें तो कोई मानता नहीं है जी। विश्व इसलिए स्वीकार कर रहा है कि भारत घर में अच्छा कर रहा है, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, नीतियों की दृष्टि से, गुड गवर्नेंस की दृष्टि से, ट्रांसपेरेंसी की दृष्टि से, हर क्षेत्र में ठोस कदम उठा रही है।
इसका प्रभाव दुनिया पर जरूर होता है। और आपने देखा होगा जब विश्व देखता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142 रैंक से 100 जाना, ये विश्व को इसकी भली भांति समझ है। हमारे देश में ऐसे विषयों की चर्चा थोड़ी कम रहती है, लेकिन दुनिया को भली भांति है कि क्या कितनी बड़ी बात हुई है। तो ये बदलाव उनकी बातचीत में, उनके व्यवहार में, भारत के साथ जुड़ने में नजर आता है। और अब आपके लिए एक एक्स्ट्रा जानकारी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने आधार को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ये घोषणा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में की गई। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने अंग्रेजी शब्दों की तरह पहली बार किसी हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, और ये हुआ जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान। हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर की रेस में आधार के अलावा मित्रों, नोटबंदी, स्वच्छ, योग, विकास, बाहुबली और गौरक्षक जैसे शब्द भी थे, लेकिन इन सब में आधार को सबसे प्रभावशाली शब्द माना गया, शायद इसलिए कि सबसे ज्यादा इसका प्रयोग हुआ। यहां पर नोट करने वाली बात यह भी है कि ये सभी शब्द लगातार खबरों में रहे हैं। 2017 में आधार शब्द ने आधार कार्ड की वजह से लगातार हेडलाइंस में अपना वजूद बनाए रखा। आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ड ऑफ द ईयर बनने के लिए शब्दों का खबरों में या विवादों में बने रहना भी बहुत जरूरी होता है। आज हम आपको MRI मशीन की चुंबकीय शक्ति की वजह से हुई मौत के बारे में विस्तार से बताने वाले थे, लेकिन समय की कमी की वजह से हम ये खबर आज आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। अब ये DNA टेस्ट हम आपको कल दिखाएंगे। ये आपके बहुत काम की खबर है, क्योंकि MRI टेस्ट अक्सर लोग करवाते रहते हैं, इसलिए आप इसके लिए अपना समय सुरक्षित रखिएगा। और अब देखते हैं कि आज के दिन क्या क्या हुआ था, आज की हिस्ट्री क्या कहती है। वर्ष 1597 में आज ही के दिन मेवाड़ के महान राजपूत शासक महाराणा प्रताप का निधन हुआ था। उन्होंने कई वर्षों तक मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया। महाराणा प्रताप को उनकी वीरता, युद्ध कौशल और गुरेला युद्ध नीति के लिए याद किया जाता है। उनसे जुड़ी एक खास बात यह भी है कि उनके सबसे प्रिय और प्रसिद्ध घोड़े का नाम चेतक था। 1576 में हुए हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने बुरी तरह घायल हो जाने के बावजूद महाराणा प्रताप को रणभूमि से सुरक्षित बाहर निकाला था, लेकिन इस दौरान युद्ध में चेतक की मौत हो गई। सन 1780 में आज ही के दिन भारत का पहला अंग्रेजी अखबार बंगाल गैजेट प्रकाशित हुआ था। इस खबर को आयरलैंड के पब्लिशर जेम्स हिकी ने कोलकाता से प्रकाशित किया था। उस वक्त यह अखबार सप्ताह में एक बार ही प्रकाशित होता था। चार पन्नों में निकाले गए इस अखबार को हिकीज गैजेट भी कहा जाता था। जेम्स हिकी भारत के पहले जर्नलिस्ट थे, यानी पहले पत्रकार थे, जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार से संघर्ष किया। उन्होंने बिना डरे भ्रष्टाचार और ब्रिटिश शासन की आलोचना की। इसकी वजह से उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और 23 मार्च 1782 को इस अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया था। दुनिया की पहली गैसोलीन से चलने वाली गाड़ी का पेटेंट आज वर्ष 1886 में हुआ था। मशहूर ऑटोमोबाइल इंजीनियर कार्ल बेंज ने यह पेटेंट करवाया था। इस गाड़ी का नाम बेंज पेटेंट मोटरवैगन रखा गया था। इस मोटरवैगन या मोटरकार को दुनिया की पहली कार माना जाता है, और उस दौर में इस गाड़ी की कीमत 1000 अमेरिकी डॉलर थी। और वर्ष 1860 में आज ही के दिन रशियन नाटककार और लघु कथा लेखक एंटोन चेखोव का जन्म हुआ था। द ब्लैक मॉन्क और द लेडी विद द टॉय डॉग उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शामिल है। चेखोव को दुनिया के बेहतरीन कहानीकारों में गिना जाता है। तो DNA में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और खबरों को जाति और धर्म के नाम पर विभाजित करने वाले पत्रकारों से हमेशा सावधान रहिए। नमस्कार।